लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जी हम ग्राम पंचायत सुंदर के रखे 5 बिंदुओं पर शिकायत किया था जनपद पंचायत अभनपुर जिला पंचायत रायपुर में, जिसकी 2 महीने बाद आज 5 संसदीय टीम जांच के लिए ग्राम पंचायत सुंदर के आए। सुलभ शौचालय, मुक्ति धाम, वृक्षारोपण, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में वृक्षारोपण, 2 नया तालाब सौंदर्य। जी शिकायत किए थे ग्राम पंचायत सरपंच सुशीला बाई साहू, उप सरपंच दौराम पटेल के ऊपर शिकायत किया था। इस आधार पे शिकायत अधिकारी आए थे जांच करने के लिए। वृक्षारोपण मुक्ति धाम में वृक्षारोपण देखा गया, उन्होंने कोई वृक्ष वहाँ नहीं लगाया गया है। शौचालय वाले में पूरा दस्तावेज नहीं होने के कारण संपूर्ण पुष्टि नहीं हो पाए। और मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल में वृक्षारोपण किया गया है, जो समिति द्वारा किया गया है उसमें भी, समूह द्वारा किया गया है उसमें भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। लंकू सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत सुंदरकेरा। कितने दिनों के बाद जांच अधिकारी और क्या पाया गया? 2 महीने पहले लगा रहे हैं आवेदन और शिकायत लगा रहे हैं तो जिला पंचायत सहारी से, जनपद पंचायत से, और वृक्षारोपण में एक भी वृक्षारोपण नहीं मुक्ति धाम में, और सेप्टिक के अधिकतर पैसा नहीं पाए है। वे बहुत आदमी आवेदन लगा है कि मोर पैसा नहीं मिले, कम से कम 40 से 50 आदमी, और पैसा वहाँ से 51 लाख कुछ रुपया आ चुके हैं, पूरा पैसा आ चुके हैं पर पैसा नहीं मिले है कोई रहेला। स्कूल में भी लगे, स्व सहायता समूह द्वारा लगाए गए पौधा है, और तालाब गहरीकरण हुए हैं, सौंदर्यीकरण, वो में भी मटेरियल की जानकारी नहीं दे पाए। कागज़ के अभाव में पंचायत द्वारा कागज नहीं प्रस्तुत कर पाई, इसका नाम से पूरा इंक्वायरी नहीं हो पाई। गोवर्धन यादव, ग्राम पंचायत सुंदरकेरा से जो शिकायत प्राप्त हुई थी जिला पंचायत रायपुर को, इसमें 5 बिंदुओं पर शिकायत की गई थी, शौचालय के संबंध में, प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में, और 2 तालाबों के संबंध में, मुक्ति धाम के संबंध में। इसमें शौचालय के संबंध में ये शिकायत की गई थी कि बहुत सारे हितग्राहियों को शौचालय निर्माण का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। तो शिकायत के बारे में जो हमारे ग्राम पंचायत में हमने देखा, ग्राम पंचायत रिकॉर्ड नहीं होने के कारण इसके बारे में पुष्टि नहीं हो पाई है कि पैसा कि मिला कि नहीं मिला। वृक्षारोपण में ये पाया गया कि वृक्षारोपण के संबंध में मुक्ति धाम में हम लोग स्वयं मुक्ति धाम जाके देखे, वहाँ पे मुक्ति धाम में पेड़ तो नहीं पाए गए थे, लेकिन 2 भवन बने हुए थे, एक प्रतीक्षालय बना हुआ था और मुक्ति धाम बना, शेड बना हुआ। वृक्षारोपण स्कूल के वृक्षारोपण तो है, वहाँ पे कुछ पेड़ लगे हुए हैं। वो तो पेड़ तो कोई समुद्र द्वारा लगाया। अच्छा, उसके उसको तो उसके बारे में पुष्टि तो नहीं हो सकती कि कौन सा तला वृक्षारोपण है वो। मैं जयंत मिश्रा, APO जिला पंचायत रायपुर। आज जिला पंचायत रायपुर से ग्राम पंचायत में ग्रामीणों द्वारा किए गए शिकायत की जांच के संबंध में टीम आई थी और समस्त दस्तावेजों का जांच करके टीम द्वारा निरीक्षण के रूप ले जाया गया। जितने भी दस्तावेज था ग्राम पंचायत में, सारे जांच टीम को उपलब्ध कराई गई है, उसके संबंध में जो भी दिशा निर्देश या आगे कार्रवाई टीम द्वारा की जाएगी। जी लोगों ने बताया कि दस्तावेज यहाँ पे शौचालय नहीं था। ग्राम पंचायत में जो दस्तावेज उपलब्ध है, सारी दस्तावेज टीम को उपलब्ध कराई गई है। वृक्षारोपण में मजदूरी का जानकारी दी गई और जो सामग्री भुगतान है वो संबंधित को होता है, जैसे सप्लायर को। मुक्ति धाम में जो वृक्षारोपण और स्कूलों में वृक्षारोपण क्या वहाँ पे लगा था, नहीं लगा था? ये जो जितने भी कार्य है मेरे कार्यकाल से पहले का है, और ग्रामीणों को, अधिकांश ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ वृक्षारोपण किया गया था और उस संबंध में निरीक्षण टीम द्वारा निरीक्षण की गई है, जो भी कार्रवाई होगी उनके द्वारा किया जाएगा। क्या वृक्षारोपण लगा? वैसे कुछ मात्रा में है और ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ आगजनी और चारा के कारण, चरवाही के कारण से क्या बोलते, पशुओं के द्वारा उजाड़ कर दिया गया है। और हाई स्कूल, सॉरी, प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूल में अभी भी वृक्ष लगे हुए हैं। शुभाराम साहब। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।